साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शहनाज गिल भले ही बॉलीवुड की नहीं है, उनका बॉलीवुड से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, मगर शहनाज गिल की फैन फॉलोइंग करीना, कटरीना और आलिया भट्ट से भी कहीं ज्यादा है। शहनाज गिल को पंजाब की कटरीना कैफ तक कहा जाता है। बिग बॉस में जाने से पहले भी शहनाज गिल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और बिग बॉस के बाद तो शहनाज को पूरी दुनिया के लोग पसंद करने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि शहनाज गिल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस से कम नहीं है, मगर वही शहनाज गिल अब बॉलीवुड के कुछ गैंगबाजों की आंखों में चुभने लगी है और बॉलीवुड में शहनाज की एंट्री से पहले ही मूवी माफिया शहनाज गिल को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रच रहा है। अब एक साजिश का तो पर्दाफाश हो गया है और इसे लेकर एकता कपूर को माफी तक मांगनी पड़ी है। तो क्या है पूरा मामला, एकता कपूर के साथ सना के खिलाफ कौन कौन लोग हैं शामिल, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और शहनाज गिल पर एकता कपूर की इस गंदी साजिश पर कमेंट जरूर करें। तो शहनाज गिल के खिलाफ साजिश का खुलासा ट्विटर के जरिए हुआ। जी हाँ, शहनाज गिल से बॉलीवुड वाले कितनी नफरत करते हैं इसका बड़ा खुलासा ट्विटर के ही जरिए हुआ और नफरत करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर और पहला नाम है एकता कपूर का। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि शहनाज गिल के फैंस के आगे एकता कपूर को झुकना पड़ा, अपनी गंदी चाल को मानना पड़ा और सरेआम शहनाज गिल से माफी तक मांगनी पड़ी। तो इस सारा का सारा वाकया तब शुरू हुआ जब एकता कपूर की कंपनी अल्ट बालाजी ने शहनाज गिल के खिलाफ एक आपत्तिजनक ट्वीट को लाइक कर दिया। दरअसल बिग बॉस के घर से निकलने के बाद फैंस सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को एक साथ देखना पसंद करते हैं, दोनों अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड भी करते हैं। अब सिद्धार्थ का नया शो ब्रेकन बट ब्यूटीफुल जल्द ही अल्ट बालाजी पर रिलीज होने वाला है। इस बीच अल्ट बालाजी के ट्विटर हैंडल से शहनाज गिल के खिलाफ एक आपत्तिजनक ट्वीट को लाइक कर दिया गया, जिसे देखकर शहनाज गिल के फैंस भड़क गए। दरअसल ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीरीज में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सोनिया राठी की जोड़ी है। शो के जो पोस्टर अभी तक आए हैं दोनों काफी क्लोज दिख रहे हैं। अब शहनाज और सिद्धार्थ की नजदीकों को लेकर हर कोई जानता है, ऐसे में किसी ट्विटर यूजर ने शहनाज गिल को लेकर बेहद गंदा ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट को हम आपको दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो नियमों के खिलाफ है, कानून की नजरों में गैर कानूनी है और सबसे बड़ी बात किसी भी महिला के सम्मान के खिलाफ है। सोचिए अब ऐसे ट्वीट को एकता कपूर की कंपनी अल्ट बालाजी के ट्विटर हैंडल से लाइक किया गया। अब एकता कपूर की कंपनी की ओर से ऐसे गंदे और घिनौने ट्वीट को लाइक करता देख शहनाज गिल के फैंस बुरी तरह से बिफर गए। विवाद इतना बढ़ गया कि ट्विटर पर अल्ट बालाजी बैन और शेम ऑन अल्ट बालाजी ट्रेंड करने लगा और तो और हजारों यूजर्स ने अल्ट बालाजी ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और कुछ ने तो इसकी रेटिंग को नेगेटिव रिव्यूज तक दे दिए और सिर्फ कुछ ही घंटों में अल्ट बालाजी की रेटिंग 4.9 से सीधे 2.5 पर आ गई। अब मामला बिगड़ता देख अल्ट बालाजी को हरकत में आना पड़ा, एकता कपूर को सामने आना पड़ा। जी हाँ, शहनाज गिल के फैंस के आगे एकता कपूर की कंपनी को झुकना पड़ा और सरेआम न सिर्फ शहनाज गिल से बल्कि शहनाज के फैंस से भी माफी मांगनी पड़ी। एकता कपूर की कंपनी ने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट कर माफी मांगी। अल्ट बालाजी का सोशल मीडिया अकाउंट देखने वाली डिजिटल और सोशल मीडिया एजेंसी ऑटम वर्ल्डवाइड ने एक पोस्ट शेयर किया जिसे अल्ट बालाजी ने रिट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हम ऑटम ORM अल्ट बालाजी के सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं। बीती रात को हमारे टीम के एक सदस्य ने गलती से एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल के बारे में एक आपत्तिजनक ट्वीट को लाइक कर दिया जो कि ठीक नहीं था। हम प्रशंसकों और कलाकारों को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं और किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कभी कोई इरादा नहीं था। हमसे गलती हुई, हम माफी मांगते हैं। पोस्ट में साफ साफ लिखा गया कि हम एक्टर शहनाज अल्ट बालाजी और सभी प्रशंसकों से विनम्र माफी मांगते हैं, ऐसा दोबारा नहीं हो ये सुनिश्चित करते हैं। गलती के बाद माफी मांगने की परंपरा सालों से चली आ रही है, मगर अब मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि सच में बॉलीवुड में शहनाज गिल के खिलाफ एक लंबी लॉबी खड़ी हो गई है,
जो कि लगातार शहनाज गिल को टारगेट कर रही है, क्योंकि शहनाज पंजाब की होकर बॉलीवुड में दम दिखाने को पूरी तरह से तैयार है। और हो ना हो, शहनाज गिल के आने के बाद बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो जाएगा, कई एक्ट्रेसेस का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, उन्हें छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में बैठे गैंगबाज अब शहनाज गिल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, शहनाज को जबरन बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी के जरिए साजिश का खुलासा तो हो गया, मगर पता नहीं अभी कितनी और साजिशें शहनाज गिल के खिलाफ की जा रही होंगी जिनका खुलासा होना बाकी है। तो एकता कपूर की कंपनी की इस घटिया साजिश के खिलाफ आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो मोहित रैना टीवी जगत के बेहद टैलेंटेड एक्टर्स में से एक गिने जाते हैं और मोहित की एक्टिंग के बूते ही कई टीवी सीरियल्स खासे हिट हो गए। देवों के देव महादेव में तो मोहित रैना और मौनी रॉय की जोड़ी को खासा पसंद किया गया, जिसके बाद दोनों का करियर परवान चढ़ गया। अब मौनी रॉय को तो इसके बाद फिल्में भी मिलने लगी और टीवी पर भी अच्छा खासा काम मिलने लगा, मगर मोहित रैना को उस तरह का काम नहीं मिला और फिल्में तो बिल्कुल भी नहीं मिली। जी हाँ, यही सच है, क्योंकि मोहित रैना बॉलीवुड में काम करना चाहते थे, अच्छा काम करना चाहते थे और उसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे, मगर कभी भी मोहित रैना को बॉलीवुड में किसी भी फिल्मकार ने अच्छा काम नहीं दिया, या कहें कि मोहित के साथ बॉलीवुड में हमेशा गलत सलूकी हुआ। और इसका असर ये हुआ कि मोहित ने टीवी पर भी काम करना बंद कर दिया, मोहित पूरी तरह से अलग थलग हो गए। लेकिन अब इस बीच जो खबर आई है उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि मोहित रैना को लेकर एक बेहद भयानक और डराने वाला दावा किया जा रहा है। सारा शर्मा नाम की एक महिला ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह मुंबई में मोहित रैना की भी अप्रत्याशित और अचानक मौत हो सकती है और मोहित रैना की मौत का राज कभी भी नहीं खुलेगा। जी हाँ, यही बड़ा और सनसनीखेज दावा किया गया है। आगे देखिए, उसी सारा शर्मा नाम की महिला ने कहा है कि मेरी माँ को उन लोगों से धमकियां मिल रही हैं जो एक्टर मोहित रैना को मारना चाहते हैं। ऐसे में मेरे परिवार वाले इस बात के खिलाफ हैं कि मैं पुलिस में शिकायत करूं। वो नहीं चाहते कि मैं पुलिस के पास जाऊं और मोहित के लिए लड़ूं। मेरे जीवन को इन लोगों से बहुत बड़ा खतरा है। सारा शर्मा ने आगे कहा कि मेरी इंस्टा आईडी भी हैक कर ली गई है, अब अगर मैं मारी जाती हूं तो आप लोग प्लीज इस लड़ाई को लड़ते रहिएगा। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करती हूं कि वो मोहित रैना को बचा ले। उनके खिलाफ फेक रिकॉर्डिंग पेश की जा रही है। मोहित रैना ने मुझे ये सारी बातें खुद महाशिवरात्रि पर बताई थी और कहा था कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाऊं तो ये सारी जानकारी सर्कुलेट कर देना। इस महिला ने सोशल मीडिया पर सेव मोहित रैना कैंपेन भी चलाया है और पोस्ट में दावा किया है कि मोहित ने खुद उनसे कहा था कि उनकी जान को बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा था कि वो जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक ये लड़ाई लड़ते रहना और मोहित ने ही कहा था कि मेरे लिए लड़ना बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब सारा शर्मा ने बेहद बड़ा और हैरानी भरा बयान दिया है और मोहित रैना को लेकर जो भी बातें कही हैं वो चौंकाने वाली हैं और साफ साफ कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह मोहित रैना को भी खत्म कर दिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। हालांकि एक पोर्टल ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मोहित रैना के करीबियों से बात की है और मोहित रैना के करीबियों का कहना है कि मोहित के संबंध में ऐसे दावों को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। मोहित अभी कोविड से रिकवर हो रहे हैं और जल्द ही सबके सामने आएंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।